सर नमस्कार। हाँ सर नमस्ते। अगर सारे लोग आ गए हों तो मैं यहाँ पे शुरू करूँ। हाँ सर, टाइम हो गया, ऑलमोस्ट ज्वाइन कर लिया, दो तीन लोग हैं अभी, ज्वाइन कर लेंगे। आप स्टार्ट कीजिए सर अभी। ओके ओके ओके। आज का मेरा जो टॉपिक है ये है AWS और आपका टिकास या कवच, और उसमें जो है कि हम जो है कि ये अगर बेसिक से स्टार्ट करें तो अच्छा रहेगा, और आप लोगों को जो ये ऑब्जेक्टिव के लिए वर्दी होगा वो मैं बोलता जाऊंगा कि ये नोट कर लो, क्योंकि अगर आप लोग जो है कि समझेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को शायद अब तक वो कवच के कोर्स में नहीं गए होंगे, तो उनके लिए जो है कि कवच नया होगा, तो इसलिए अगर वो समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी हमारा जो है कि ये इतने टॉपिक्स को हम लेंगे, दो घंटे में एकदम से डिटेल में तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन हम ट्राई करें कि मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आपके हो जाए कवर। सिग्नलिंग का रोल एंड यूज, ये तो ये आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। सिग्नलिंग ये पहले कैसी होती थी, और ये आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। ये जो यहाँ पर आप लोगों को ये दिख रहा है क्या, ये यहाँ मेरा ये माउस है, एक स्पीड इंडिकेटर टाइप दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, ये जो है ये असल में TPWS का DMI था, और ड्राइवर मशीन वो इंटरफेस, उसको इन लोगों ने कवच में यूज कर लिया। कवच अपने आप को बोलता है कि मैं लेवल 2 से ऊपर हूँ, लेकिन वो लेवल 3 से ऊपर भी नहीं है। वो लेवल 1, 2, 3 क्या होते हैं मैं आपको बता दूंगा। ETCS लेवल 1, 2, 3, और इसमें ऐसा है कि लेवल 1 जो है इसमें कोई भी प्रोडक्शन नहीं होता है। लेवल 2 में जो है कि आपका केवल स्पीड की जो गवर्निंग होती है, कंटिन्यूअस साइड की इंफॉर्मेशन मिलती है आपकी इंटरमिटेंट। लेवल 3 में आपकी स्पीड की कंट्रोलिंग और सिग्नल की इंफॉर्मेशन भी कंटिन्यूअस मिलती रहती है, और लेवल 4 जो है इसमें ड्राइवरलेस होता है। मैं मोटा मोटा बता देता हूँ, इसके बाद में इसका मैंने टेबल एक बनाया हुआ है, वो आप लोगों को मैं बता दूंगा। मैं तो इट इज मतलब वही है कि हम कोई या ऐसा सिस्टम लगाते हैं कि मोटर की गाड़ी को अगर मोटरमैन का हो जाए एरर या ड्राइवर का हो जाए एरर, तो भी तो अब जो हमारा सिस्टम है वो सेफ रहते हुए गाड़ी को कंट्रोल कर ले। और जब उसमें ये आप हायर लेवल तक जाते हैं तो उसमें फैसिलिटी है कि जब उस आगे का सिग्नल ग्रीन हो जाए या आगे अगर जाने की कंडीशन बन रही है तो हमारी स्पीड भी बढ़े, या अगर कहीं पे सिग्नल होने के बाद भी रुकना है, वहाँ पे हॉल्ट है, स्टेशन है, वो रुक जाए, तो वो चीज़ आती है लेवल 4 में, जो अब तक केवल यहाँ पे मेट्रो में कुछ आइसोलेटेड जो फेस है उसमें ही है। ये कुछ मेट्रो में है, वो भी उनके कुछ पैचेस में ही है। तो ये आपका DMI जो है ये आपका TPWS में भी है और कवच में भी है। इसके अंदर जो है कि बहुत सारे मोड हैं जो कि नेसेसरी नहीं है, लेकिन केवल इसमें है इसलिए उसको भी लाद दिया गया, हालांकि उसकी कोई जरूरत नहीं है इतनी। मैं बताऊंगा आप लोगों को बात। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? एक गाड़ी यहां से यहां को आ रही थी और इसने रेड पास कर दिया और एक्सीडेंट हो गया।
ये रेड पास किया तो रेड पास करते ही रुक जाए, उसके लिए हमारे जितने भी सेफ्टी सिस्टम हैं उसकी जरूरत पड़ेगी। ये काचीगुड़ा का केस जो बहुत फेमस हुआ था, एक ईएमई और एक मेल का, एंटी कोलिजन डिवाइस जो है केवल ये कोकण रेलवे में हुआ था इम्प्लीमेंट और ये फेल हो गया बिकॉज इसमें जीपीएस का आ रहा था एरर, और जो दो डिफरेंट लाइन पे गाड़ी जा रही है और जिनको कि हम हेड ऑन कोलिजन नहीं बोल सकते हैं उनको भी ये बोलता था कि हेड ऑन कोलिजन हो रहा है और ये गाड़ियों को रोकता था, इसलिए वो हो गया है, एबॉलिश हो गया है, लेकिन अभी भी कोर्स में है। TPWS जो है ये ट्रेन प्रोडक्शन एंड वार्निंग सिस्टम है, इसमें सबसे बड़ा ये ड्रॉबैक था कि एक यूनिट में कम से कम 3 पूरे लोकेशन बॉक्स लगते हैं। ये तीनों लोकेशन बॉक्स जो है 12 कोई भी एस्पेक्ट है सिग्नल के उसके लिए रहेगा। अब चाहे 4 एस्पेक्ट का सिग्नल है उस पर ए साइन कॉलिंग ऑन और शंट है, तो यहाँ पे 4 और 4 8, तो एक सिग्नल के लिए ही जो है वो मैं आ गए 8। अगर वहाँ पे 2 सिग्नल हो गए बॉम्बे सर्वन जैसे कंजेस्ट एरिया में तो 2 सिग्नल के लिए भी वो सफिशियंट नहीं है। इसलिए ये सिस्टम जो है कि बॉम्बे में डिस्कार्ड हुआ, साउदर्न रेलवे में केवल एक सेक्शन में लगा और वहाँ पे भी इसके फेलियर की रिपोर्ट आती रही। फिर बाद में उसको इन लोगों ने जो है कि कवच में मॉडिफाई किया, अब कवच भी इतना कोई अच्छा सिस्टम नहीं है। मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि उसमें बहुत सारी लिमिटेशन है। और जो ये बोल रहे हैं कि ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, ये मुझे बोलना पड़ रहा है इसलिए कि जो हमारा सिकंदराबाद बोलता है, नहीं तो ये इंडिजिनियस नहीं है। यूनियन स्विचेस एंड सिग्नल का TPWS था, उसी को इन लोगों ने किया है जो है कि उसको यूज किया है, बाकी कोई भी एक्स्ट्रा फंडा लेके नहीं आया। जो एक्स्ट्रा फंडा है वो केवल इन्होंने कहीं का रोड़ा ना कहीं इन्होंने किया है। ऑक्सिलरी वार्निंग सिस्टम, आप लोग इसको समझ लेंगे तो आप जो है कि कवच को और TPWS को आप लोग आसानी से समझ पाएंगे। यहाँ पे हमारे AWS वाले हैं मिस्टर राजकुमार जी, तो अगर कोई डाउट हो तो आप लोग उनसे भी आप लोग को पूछ सकते हैं, है ना। इस टाइम पे मेरी क्लास नहीं हो रही है, कुछ और डाउट हो तो उनसे भी पूछ सकते हैं। ये यहाँ पे हमारा आ गया, ये सिग्नल आ गया, सिग्नल के एस्पेक्ट से उसके पैरेलल में जो सिग्नल के एस्पेक्ट को सप्लाई जा रही है, चाहे मेन सिग्नल हो और चाहे ऑक्सिलरी हो, उससे हमने सप्लाई को टैप किया, ऑप्टो कपलर कार्ड को दिया। ऑप्टो कपलर कार्ड एक बॉक्स में रहता है इसलिए उसको बोलते हैं ऑप्टो कपलर बॉक्स। उस कार्ड ने डिपेंड अपॉन द कॉम्बिनेशन ऑफ एस्पेक्ट, उसने अपनी 2 सिग्नल फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर को स्विच ऑन करने के लिए इस कार्ड से आउटपुट दिया। इस मैग्नेट में एक 50 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का ट्यून कॉइल है और एक 100 किलोहर्ट्ज की ट्यून कॉइल है। जब ये मैग्नेट इस इंजन मैग्नेट के साथ में इंटरेक्ट किया, तो उस समय जो 2 फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर स्विच ऑन के लिए पड़े हुए हैं उनकी सप्लाई, वो 2 की सप्लाई थ्रू हो जाती है और वो 100 किलोहर्ट्ज से मॉड्यूलेट होके और कैब में पहुंच जाते हैं वापस। और 50 किलोहर्ट्ज जो है ये केवल एक मॉनिटरिंग के लिए रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ट्रांसमिशन जो है थ्रू एयर हो रहा है, उसमें हमने एक कॉइल को यूज़ किया हुआ है। कॉइल के हमेशा 2 टर्मिनल होंगे, 2 टर्मिनल में से एक भी टूट गया तो सिग्नल अगर वो लाल भी है तो स्किप हो जाएगा। उससे बचाने के लिए हमने एक और फ्रीक्वेंसी दे दिया कि अगर इसका वायर टूट गया
तो कम से कम इसका रहेगा, ये बताएगा कि यहाँ पे मैग्नेट था। ये केवल इसलिए है कि यहाँ पे मैग्नेट था और इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए। अगर मिली है तो उसके हिसाब से एक्ट करो, और नहीं मिली है तो मार दो ब्रेक। उसके बाद में कैब के अंदर जाके ये फिल्टर होगा, होता है उसका, उसका डोनेशन आता होता है, और डोनेशन करके के बाद में जो 100 किलोहर्ट्ज एंड 50 किलोहर्ट्ज के लेवल चेक होके उनको अलग कर लिया जाता है। जो दो सिग्नल फ्रीक्वेंसी मेरी अब स्विच ऑन हुई थी वो उसके हिसाब से उस एस्पेक्ट पे क्या बिहेव करना चाहिए, ये उसका माइक्रोप्रोसेसर फीड किया हुआ है, उस फीडिंग के हिसाब से वो डिसाइड करता है कि मैं गाड़ी को मैक्सिमम स्पीड से जाने दूँ या गाड़ी को अगर अगर मुझे सिग्नल की इंफॉर्मेशन मिली है येलो की तो मैं गाड़ी को 290 मीटर के अंदर मैं 38 की स्पीड में लेके आ जाऊं। तो 290 और 38 ये आपका हो गया ये ऑब्जेक्टिव का। मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन आपका कैब में होता है, सिग्नल में जो है कि केवल जब गाड़ी आती है तो कार्ड जो है वो मॉड्यूलेशन वो ट्यून होके, लेकिन वो मॉड्यूलेशन होता है कैब में ही, हमारे मैग्नेट में कोई मॉड्यूलेशन नहीं होता है। मॉड्यूलेशन का एक कार्ड है लेकिन वो तभी फंक्शन करेगा जब उसके ऊपर इंजन मैग्नेट आएगा, तो वो मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी जो है ये 100 किलोवाट से होके और जाएगी। आप लोगों के ऑब्जेक्टिव का भी एक ये क्वेश्चन है कि टोटल 7 फ्रीक्वेंसी के 21 कॉम्बिनेशन हम लोग यूज कर रहे हैं, जिसमें जो आपका F1 है ये 2800 हर्ट्ज है, इसमें 800 आप लोग जोड़ते जाइए तो आगे F7 तक आप पहुंच जाएंगे। ये 7 फ्रीक्वेंसी और 100 किलोहर्ट्ज और 50 किलोहर्ट्ज। ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन और भी है, कोई भी AWS की कंप्लीट जो इंफॉर्मेशन के लिए मिनिमम 4 चीजें मिलना जरूरी है, 2 सिग्नल फ्रीक्वेंसी, 1 50 किलोहर्ट्ज और 1 100 किलोहर्ट्ज। इसमें से जो आपका 50 एब्सेंट रहे या 100 एब्सेंट रहे या 2 सिग्नल में से कोई एक एब्सेंट रहे तो AWS का इमरजेंसी ब्रेक लग जाएगा, फेल सेफ को ध्यान में रखते हुए। कोई अगर सिग्नल फ्रीक्वेंसी एक्स्ट्रा आती है, ये भी आप लोगों का क्वेश्चन बन रहा है कि अगर कोई सिग्नल फ्रीक्वेंसी एक्स्ट्रा आती है, मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव कॉम्बिनेशन विल बी एक्सेप्टेड। इसका मतलब है कि अगर मेरी जो इंफॉर्मेशन थी वो 3-4 थी, F3 एंड F4 जो डेजिग्नेटेड है ग्रीन के लिए, अब इसके साथ में अगर मेरा जो F1 कहीं से लीकेज होके एक्स्ट्रा आ गया तो मोस्ट जो रेस्ट्रिक्टिव कॉम्बिनेशन है वो बनता है F1 F4 का, क्योंकि जो F1 F3 है वो हमारे यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है, 3-4 है वो ग्रीन का है और 1-4 जो है वो येलो का है। तो जो मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव है कॉम्बिनेशन उसको कैब एक्सेप्ट करेगा और येलो के हिसाब से वर्क करेगा, तो उसको भले जो है कि मोटरमैन को या ड्राइवर को जो मेरा सिग्नल दिखाओ ग्रीन वो एक्ट करेगा एज येलो। किसी का माइक से शायद ऑन रह गया। अब इसमें पार्ट्स के नाम पे जो आप लोगों को, क्योंकि आजकल ये ऑब्जेक्टिव है इसलिए थोड़ा सा मुझे उस वे में भी बताना पड़ता है कि AWS की TM केबल 6/7 कोर की होती है। 6/7 इसलिए बोलते हैं क्योंकि सेंट्रल रेलवे में प्रैक्टिस है कि वो लोग 7 कोर यूज करते हैं और 7वां कोर रहता है डमी, और वेस्टर्न में हम लोग 6 कोर ही यूज करते हैं जो रिक्वायर्ड है। और ये कोई नॉर्मल केबल नहीं होती है, ये स्पेशल, ये इसमें इसका स्पेसिफिकेशन स्पेशल है और इसीलिए उसका नाम जो है ये अपने रेलवे में
टीएम केबल फॉर AWS है। अब इसमें जो ऑप्टोकपलर कार्ड एंड मैग्नेट की लिंकिंग होती है ये 6 port plug से होती है, जो कि सीमेंस का आइटम है। प्लग आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो उसमें 6/7 pole नहीं है, वो केवल सिंपली 6 pole है। कार्ड में केवल 5 frequency के कॉम्बिनेशन होते हैं डिसाइड, बाकी 6 और 7 जो है ये मैग्नेट में लूप किए जाते हैं। कार्ड से केवल 1, 2, 3, 4, 5 ये फ्रीक्वेंसी ही सिलेक्ट होती है। ये मैं आप लोगों को जो ऑब्जेक्टिव सबसे बता रहा हूँ, आप लोग नोट करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, या कोई अगर इसकी रिकॉर्डिंग करना है तो फिर वो बाद में लिख लें। AWS का कार्ड जो है, जब लैम्प टाइप सॉरी जब आपका फिलामेंट लैम्प टाइप के बल्ब थे उस टाइम पे 12 वोल्ट पे वर्क करता था, इसको फिर मॉडिफाई किया गया जो LED के लिए, अब ये 110 वोल्ट AC पे वर्क करता है। इसके आउटपुट में आउटपुट एंड पे कोई सप्लाई नहीं होती है, आउटपुट एंड पे एक कॉमन टर्मिनल 6 है, उसके साथ में बाकी 5 की शॉर्टिंग ये डिसाइड होती है। जो 5 होंगे शॉर्ट होंगे वो उसके रिस्पेक्टिव ऑसिलेटर ट्रैक मैग्नेट में जाके ऑन रहेंगे, वो अपनी आउटपुट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो अपनी आउटपुट देंगे नहीं बिकॉज उनको कोई सप्लाई नहीं मिल रही है। जब इंजन मैग्नेट आएगा उस समय ही उसको सप्लाई मिलेगी और वो अपनी आउटपुट देगा जो मॉड्यूलेट होगी। AWS का ट्रैक मैग्नेट एक पैसिव डिवाइस है। AWS का जो इंजन मैग्नेट है ये एक्टिव डिवाइस है। ट्रैक मैग्नेट जो है ये पैसिव है, लेकिन इंजन मैग्नेट जो है ये एक्टिव डिवाइस है। AWS के द्वारा लगाया गया ब्रेक वही ब्रेक होता है जो ड्राइवर या मोटरमैन लगाते हैं। 2 सेकंड का मैं पॉज ले रहा हूं। एक हाँ जी, या AWS में एक ड्राइवर मशीन इंटरफेस के तरीके का एक होता है इंडिकेशन पैनल, ये जहाँ पे मेरा जो माउस जा रहा है वहाँ पे। इस इंडिकेशन पैनल पे काउंटर्स होते हैं, एक होता है इमरजेंसी ब्रेक का काउंटर होता है और एक होता है जब सिग्नल फेल हो गया उस केस में ड्राइवर को जब अथॉरिटी मिलती है तो वो अथॉरिटी हमारे सिस्टम को नहीं पता है, उस सिस्टम को इन्फॉर्म करने के लिए एक बटन दबाया जाता है तो उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अब जो सिग्नल मिलेगा वो एब्सोल्यूट होगा रेड, लेकिन इस ड्राइवर को अथॉरिटी मिल चुकी है कि पास करे तो मैं इसे सेफ स्पीड से 15 KMPH की स्पीड से मैं पास करने दूंगा और वो अगले सिग्नल तक 15 KMPH से ही जाएगा। अगले सिग्नल के पहले कोई भी टाइप का मैग्नेट ये उसके बीच में आएगा तो उस पर वो ब्रेक रिलीज नहीं होगा, वो स्पीड रेजिस्टेंस रिलीज नहीं होगा। परमिसिव रेड यानी कि रेड विथ ए साइन या ऑटो सिग्नल एट रेड, दोनों की फ्रीक्वेंसी होती है F1 F5।
इसको पास करने की स्पीड होती है 15 kmph। मैं थोड़ा सा आस्ता इसलिए बोल रहा हूँ कि जो लिख रहे हैं वो लिख ले। ए साइन या एब्सोल्यूट रेड पे जब विद अथॉरिटी पास होता है उस टाइम पे या अगले सिग्नल तक ये स्पीड रिस्ट्रिक्शन रिलीज नहीं होगा। ए साइन, कॉलिंग ऑन और शंट, ये सारे परमिसिव रेड हैं। AWS में रूट कंसीडर होता है केवल उस केस में जब उस जिस सिग्नल पे रूट लगा हुआ है उसके आगे वाला सिग्नल 700 मीटर या उससे ज्यादा दूर होगा। तो उस केस में 700 मीटर से ज्यादा वाला जो इंटर सिग्नल डिस्टेंस है उसमें आगे वाले सिग्नल से 400 मीटर पहले एक एडिशनल ट्रैक मैग्नेट लगाया जाता है। वो एडिशनल ट्रैक मैग्नेट तक सिग्नल है, यहां से उस एडिशनल ट्रैक मैग्नेट तक गाड़ी की स्पीड मैक्सिमम स्पीड अलाउड रहती है। एटीएम पर जाते समय उसकी स्पीड होनी चाहिए वही जो कि अगर आगे वाला सिग्नल लाल है तो होनी चाहिए येलो पे, या अगर अगर आगे वाला सिग्नल कोई भी ऑफ एस्पेक्ट अटेन कर लिया है तो फुल स्पीड से जाएगा। ये गाड़ी को स्लो डाउन होने से बचाने के लिए है। जब सिग्नल दूर है तो उसके पहुंचते पहुंचते अगर वो सिग्नल हो जाए ऑफ तो गाड़ी को स्लो डाउन ना करना पड़े। इस पर्पस के लिए जब दो सिग्नलों के बीच का इंटर सिग्नल डिस्टेंस 700 मीटर या उससे ज्यादा होता है उसके लिए जो एडिशनल ट्रैक मैग्नेट है इसमें तीन फ्रीक्वेंसी के ही ऑसिलेटर रहते हैं, F1, F2, F6। F6 ट्रैक मैग्नेट के अंदर ही रहता है शॉर्ट, और ये आपका F1 या F2 इसका सिलेक्शन आगे वाले सिग्नल के कार्ड से होता है। कार्ड में ATM का भी टर्मिनल रहता है। अगर वो सिग्नल अभी भी लाल है तो वो 2 की सप्लाई देगा ATM के लिए, केवल 2, यानी कि एक फ्रीक्वेंसी के देगा और 6 तो उसको ऑलरेडी मैग्नेट में मिल रहा है। अगर वो सिग्नल रेड या परमिसिव रेड के अलावा कोई भी ऑफ एस्पेक्ट हो गया है तो वो वहां से केवल 1 की सप्लाई देगा। F1 F6 का मतलब होता है कि प्रीवियस इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इज नाउ नल एंड वॉइड, और 2-6 का मतलब होता है प्रीवियस इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इज वैलिड। सर एक्सक्यूज मी सर, ये आपका PPT चेंज नहीं हो रहा है सर, ऑक्सिलरी वार्निंग सिस्टम में शो हो रहा है। मैं इसको मूव नहीं कर रहा हूं, मैं इसको मूव नहीं कर रहा हूं अभी। मैं मूव नहीं कर रहा हूं, और मैं केवल जो ऑब्जेक्टिव है इसके बेस पे वो आपको बताता जा रहा हूं, इसलिए कि मुझे बाद में 1 घंटा लगेगा आप लोगों को कवच में भी। मैं आप लोगों को बोल के इसलिए बता रहा हूं कि वो चीजें जो हैं अगर मैं उसकी स्लाइड में खोल लूं तो उसमें इतनी सारी अब चीजें हैं कि मैं आप लोगों को फिर बोलने में हो जाएगी दिक्कत, इसलिए मैं उसको मूव नहीं कर रहा हूं मैं, और मैं आप लोगों को बताते जा रहा हूं कि आप लोग नोट करते रहिए। ये सारे ऑब्जेक्टिव के हैं,
AWS में जब कोई सिग्नल के बीच में नॉर्मल इंटर सिग्नल डिस्टेंस 400 मीटर ही माना गया है, यानी कि दो सिग्नलों के बीच की दूरी मीटर या उससे ज्यादा ही होगी। अब अगर जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से कोई दो सिग्नल के बीच की दूरी 400 से कम होती है तो उस केस में अगर हम लाइन से सिग्नल हम पकड़ते हैं कि गाड़ी के ट्रेवलिंग के डायरेक्शन में जो पहला सिग्नल आएगा S1 बाद का आएगा S3 बाद का आएगा S5, तो अगर S3 एंड S5 के बीच की दूरी 400 मीटर से कम है तो एक रिड्यूस्ड ब्रेकिंग डिस्टेंस का मैग्नेट S1 के पहले लगाया जाएगा। ये प्रैक्टिस यहां पे चल रही है। इसके अलावा एक प्रैक्टिस और भी है कि अगर 3 और 5 के बीच की डिस्टेंस कम है तो हम 3 पे भी, तो हम 3 के पहले भी लगा सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा जो है कि मोटरमैनों के कंप्लेंट का मैटर हो गया था, इसलिए उसको उसका अडॉप्ट नहीं किया गया। तो हम एक सिग्नल के पहले ही हम करते हैं। जब हम रिड्यूस ब्रेकिंग का डिस्टेंस हम लगाते हैं तो उसमें जब 3 और 5 के बीच की दूरी कम है, हमने 1 के पहले लगा दिया, अब जो है 1 नंबर सिग्नल और वो जो RBD का मैग्नेट है उसको कहते हैं RBD, रिड्यूस्ड ब्रेकिंग डिस्टेंस, इनके बीच की दूरी को वो करता है कैलकुलेट। उसके हिसाब से वो डिसाइड करता है कि अगर S3 सिग्नल मुझे मिला येलो तो मुझे उस येलो को कितनी स्पीड से पास करना है, वो डिसाइड करता है अंदर का माइक्रोप्रोसेसर, क्योंकि हमने चार्ट बनाया हुआ है कि अगर 100 मीटर है तो इतने स्पीड से करना है, 290 है तो इतने स्पीड से करना है, 260 है तो इतने स्पीड से करना है, 350 है तो ये स्पीड से करना है। वो स्पीड इतनी रखी गई है कि 5 नंबर के सिग्नल से 110 मीटर पहले गाड़ी स्मूथ ब्रेकिंग से 110 मीटर पहले 38 पे आ जाए। इस हिसाब से उसकी पासिंग की स्पीड को डिसाइड किया गया है। तो RBD का लगाने का जो पर्पस है कि अप्रोचिंग रेड सिग्नल के 110 मीटर पहले स्पीड 38 पे आ जाए, ये RBD का मेन फंडा है। ये ऑब्जेक्टिव में आप कैसे भी घुमा दे सकते हैं। टेम्पोररी एंड परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शन के लिए भी AWS में प्रोविजन है, उसे कहते हैं स्पीड रिस्ट्रिक्शन मैग्नेट। उसके लिए जो यहां पर बॉम्बे में यूज हो रहा है वो कॉम्बिनेशन हमने लिया है, ये आपका F5 F7, F5 F7 से वो फ्रीक्वेंसी जहां मिलेगी वहां से 800 मीटर दूर वो गाड़ी को 10 kmph पे लेके आ जाएगा। और ये अब तक केवल टर्मिनल पे लगाया गया है, इसलिए इसके रिलीज का कोई भी प्रोविजन अभी तक बॉम्बे सुहावन में नहीं है। एक जगह पे था अंधेरी में तो वो भी निकल गया। रिलीजिंग के लिए है F6 और F7 जो इस समय पे बॉम्बे में प्रैक्टिकली यूज में नहीं है, आज के 6-7 साल पहले था, वो भी केवल एक था। अब इसके बाद हम आते हैं ACD पे। ACD पे आप लोग देख लीजिए कि वो एक सेकंड जरा।
जी अब ऑपरेट नहीं हो रहा है जब आप हाँ अब तो उसके बाद में जब आप पारी लगाते हो तो मूव हो रहा है हाँ जब पारी लगाते हो तो ले लेता है ना और तो एक काम करो कि मैं क्लास ले रहा हूँ आप एक चीज आपको अपडेट दे दो हाँ ठीक 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 तो साइट पे आया होगा पर अभी आया होगा उसको भी दिखा दो हाँ ठीक ठीक ओके ठीक 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 ओके ओके ठीक हाँ जी यहाँ पे जो आपका जीपीएस का सेटेलाइट है उससे ये अपनी अपनी पोजीशनिंग को डिसाइड कर ये करता है उस पोजीशनिंग में आती थी एरर तो उस नाते ये जो है कि ये दिखाता था कि दो गाड़ियां ये सेम लाइन पे हैं अगर वो ये अलग लाइन पे भी है तो भी जीपीएस के एरर के नाते वो दिखाता था कि गाड़ियां सेम लाइन पे हैं और वो मारता था ब्रेक इसलिए तो उस सिस्टम को कोकण रेलवे में था कोकण रेलवे में था और ये आप लोग अगर ऑब्जेक्टिव पे लिखना चाहे तो मेक था केटेक केटेक मेक था एसीडी का ये आप लोग नोट कर लीजिए एसीडी के बारे में अगर कुछ आया तो यहाँ पे सिल फोर का मतलब है सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल फोर यहां से लेके जा रहा ये अभी नहीं 12:30 बजे ऑनबोर्ड या जेसीडी इक्विपमेंट आप लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है विकास का नाम हो गया है कवच और ये कवच जो है असल में एसीडी का रिप्लेसमेंट था लेकिन फिर इन लोगों को क्या सूझी कि इन लोगों ने इसे एडब्ल्यूएस का रिप्लेसमेंट बता दिया लेकिन ये अल्टीमेटली जो है कि मैंने यहां से रिपोर्ट बना के भेजा था तो अपने बॉम्बे सोरबन में तो कवच जो है अगर आया भी तो केवल मेल एक्सप्रेस के लिए आएगा लोकल के लिए नहीं आएगा ये आप लोग कंपैरिजन को नोट डाउन आप कर लीजिए इस पेज में जो डाउट हो उसको पूछिए नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा
अब हम आते हैं शॉर्ट में TWS के लिए, जिसको AWS में कहते हैं ट्रैक मैग्नेट, उसको TWS में कहते हैं इक्वलाइज। और ये जो यहाँ पे इन लोगों ने जे भी दिखाया, एक यहाँ पे तीन लोकेशन होते हैं और इसके अंदर केवल एक चीज ये है कि TPWS की बलाइस से आपके रिले रूम में लगातार एक टेलीग्राम मैसेज जा रहा है। लेकिन उसके लिए इतनी केबलिंग वगैरह रिक्वायर्ड है, ये अफोर्डेबल भी नहीं था। और ये कुछ जो जो कॉम्प्लेक्स यार्ड हैं वो उनमें ये लिमिट भी नहीं हो सकता था, इसलिए ये नहीं किया गया। इसमें जो फिक्स बलाइज होता है वो होता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स है, किसी सिग्नल के एस्पेक्ट से डिपेंडेंट नहीं है। ये केवल ये इंफॉर्मेशन देता है कि आगे कुछ मीटर पे सिग्नल है, आगे कुछ मीटर पे सिग्नल है और आप GPS के इस लोकेशन पे हो, ये इंफॉर्मेशन दे देता है। और स्विचेबल का मतलब है कि इसकी जो आउटपुट है वो सिग्नल के एस्पेक्ट के हिसाब से उसकी स्विचिंग होती है। जो आपका इनफिल इबलाइस है ये स्विचेबल भी हो सकता है और फिक्स भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। मोस्टली ये ATM की तरह से यूज होता है। AWS हो या TPWS हो, ये इंटरमिटेंट सिस्टम है। जब कोई सिग्नल या इसका इक्विपमेंट आएगा उस टाइम पे ही इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये इंटरमिटेंट है, ये कंटिन्यूअस नहीं है। ऑन बोर्ड का केवल स्पीड मॉनिटरिंग जो है ये कंटिन्यूअस है, लेकिन स्पीड कंट्रोलिंग में केवल ब्रेकिंग साइड का कंट्रोल है, अब उसका स्पीड का एनहांसमेंट का कंट्रोल नहीं है। और स्पीड की मॉनिटरिंग जो होती है वो लास्ट जो इंफॉर्मेशन ट्रैक साइड से मिली उसी के ऊपर डिपेंडेंट है, चाहे AWS हो, चाहे TPWS हो और चाहे आगे मैं डील करूंगा कवच, चाहे वो। अब AWS में जिसको बोला गया CPU उसको TPWS ने नाम दे दिया OBC, और जो TM था ट्रैक मैग्नेट वो हो गया BTM हो गया, जो इंडिकेशन पैनल था उसका नाम हो गया TMI, और जंक्शन बॉक्स तो केवल इसमें होता है AWS में, केवल होता है उसी भी जो छोटा सा होता है और सिग्नल पोस्ट पे लग जाता है। अब यहाँ पे हम धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं कवच के बेस की ओर। GPS और GSM के दो एंटीना हैं। GPS का जो एंटीना है ये लोकेशन तो देता ही है, लेकिन इसका ये कवच में इसका मेन काम है टाइम स्टैम्प को करेक्ट करते रहना, और जो आपका ये आप लोगों को दिखा था, कोई एक जन रिप्लाई कीजिए। Yes, sir. हाँ सर,
ये दिखा था। हाँ ये दिखा था लास्ट। उस टाइम पे मेरी आवाज आ रही थी। हाँ उस टाइम तक आ रही थी, इसके बाद नहीं आना, बंद हो गई। इसमें मैंने आप लोगों को 12 एंटीना का बताया था? 12 एंटीना वाला नहीं बताया था अभी। ठीक 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 ठीक। तो मैं इस टॉपिक को मैं फिर से आप लोगों को रिपीट करता हूँ, बिकॉज वो कुछ कनेक्शन की दिक्कत थी इसमें। ये हम कवच को समझने के लिए, अभी मैं टोटली मैं कवच की स्लाइड पे नहीं गया हूँ, हम कवच को समझने के लिए मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ कि इसमें यहाँ पे केवल दिखाया गया दो। यार उसको साइलेंट कर दो यार। इसमें केवल दो आप लोगों को जो दिखाया गया है, लेकिन कवच में तीन है। यहाँ पे एक जीपीएस दिखाया गया है लेकिन जीएसएम लिखा हुआ है, और एक है रेडियो जो हमारा यूएचएफ है। अब ये जो जीएसएम है, ये जीएसएम जो है हमारा ओपन जो ऑपरेटर है एयरटेल एंड जियो नाम के साथ, एयरटेल एंड जियो दो के साथ में कोऑर्डिनेशन है। आप लोग चाहें तो इसको ऑब्जेक्टिव के लिए नोट कर सकते हैं। एयरटेल एंड जियो को लिया गया है, तो उसमें इन्होंने रेलवे के लिए ये डिफाइन किया है कि जब भी हमारी कोई ट्रेन यानी कि इंजन हमारा ऑन होगा तो उसकी आईडी को ये रिसीव करेगा, उस ट्रेन की आईडी जो उसकी अपनी आइडेंटिटी है कि भाई वो क्या है, किस टाइप का इंजन है, किस मेक का इंजन है, उसका ब्रेक पावर क्या है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग की डेट क्या है, ये कहाँ पे इस समय है, ये सारी इंफॉर्मेशन वो लेके, और एक सेंट्रल KMS है, की मैनेजमेंट सर्वर, वो उसको इंफॉर्मेशन देगा। और जब वो KMS वो ये एंश्योर कर लेगा कि यहाँ ये जो है कि इसे मुझे ऑथराइज करना चाहिए, तो वो उसको ऑथराइज करेगा। अब यहाँ पे यहाँ मैं इसको मैं करता हूँ पॉज। अब इसमें जो है इस तरीके से हमें तीन एंटीना की जरूरत है। तीन एंटीना के बदले में उस लोको पे दोनों एंड को मिला के 12 एंटीना है। दो एंड है, एक जो है कि अप डायरेक्शन का है और एक डाउन का है, या एक नॉर्थ का एक साउथ का, या एक ईस्ट का एक वेस्ट का। अब इसमें तीन एंटीना जो हैं इनके एक एक डुप्लीकेट हैं, तो इस तरह से एक एंड पे हो गए 6 और एक एंड पे हो गए 6, तो एक इंजन पे 12 एंटीना होते हैं। और इसमें सिग्नल की इंफॉर्मेशन हमें थ्रू ये हमारे एंटीना UHF एंटीना से मिलती है, जो कि हमारा रेलवे का एंटीना है। ट्रेन का जो ऑथेंटिकेशन है ये GSM से हो रहा है। जो हमारे सिग्नल की इंफॉर्मेशन मिली उसको की मैनेजमेंट सर्वर से, वो हमेशा ये अपडेट करता रहता है और ट्रेन को वर्क कराता रहता है। ट्रेन जो है कवच के एरिया में आएगी तभी वो कवच से डील होगी, नहीं तो उसकी कंट्रोलिंग ड्राइवर भाई के हाथ में है। और इसीलिए मैंने जो है इसको कहा है कि ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये इंटरमिटेंट है। GPS एंटीना जो है ये भी शायद अगर उस टाइम में नहीं आया हो नेटवर्क के नाते, तो GPS लोकेशन की इंफॉर्मेशन तो देता ही है, लेकिन लोकेशन की इंफॉर्मेशन ये कंफर्म होती है आपके GSM से ही, लेकिन GPS केवल रियल टाइम को अपडेट करने के लिए ही यूज होता है। GPS केवल टाइम के लिए यूज होता है, जब आपके
अगर ऑब्जेक्टिव में आया कि इससे लोकेशन भी डिसाइड होती है, नहीं, ये केवल और केवल टाइम के लिए रखा गया। लोकेशन का डिसीजन जो है जीएसएम नेटवर्क से होता है, जीएसएम या एलटी, हो सकता है कि अभी आजकल वो लोग एलटी डाल दें, इसलिए जीएसएम या एलटी नेटवर्क से होता है। सिग्नल की इंफॉर्मेशन कितने स्पीड से जाना है वगैरह, ये सब हमको हमारे यूएचएफ से डिसाइड होता है। इट मींस जो मेन मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, इसके लिए हमें अब हमारे यूएचएफ एंटीना की जरूरत है। जो लोगों ने कवच का कोर्स नहीं किया है या कवच का कोर्स किया है लेकिन ध्यान नहीं दिया है, वो उनके लिए मैं बता दूं, एक यूएचएफ एंटीना की मेरी रेडियस है 4.525 किलोमीटर। अब अगर दो स्टेशन के बीच की मेरी दूरी 12 किलोमीटर है तो 3 किलोमीटर जो है मेरा उस हिसाब से रहेगा कि जो अनकवर्ड है। अब या तो मैं वहां पे कोई एक और छोटा मैं रिपीटर एंटीना लगाऊं और इसको रखूं मैं कंट्रोल में, अगर वहां पे कोई एलसी गेट वगैरह है तो मैं कर दूंगा मैं, लेकिन अगर वो एलसी गेट वगैरह नहीं है तो उतना पोर्शन वो विदाउट कवच के प्रोटेक्शन वो वहां पे चलता है। उस समय पे अगर गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हुआ तो दो चीजें होती हैं, एक तो आपका जो एसओएस है वो यूएचएफ की फ्रीक्वेंसी की रेंज पे निकलता है, जो कि अगर कोई एंटीना नहीं है तो भी बगल से कोई गाड़ी आ रही है तो उसको 4.5 किलोमीटर के अंदर जैसे ही वो गाड़ी आएगी, ये इसका सेव आवर सोल एसओएस का सिग्नल उसको रिसीव हो जाएगा कि भाई आगे कोई गाड़ी को कुछ मिसहैप हुआ है। ये एसओएस एक्सीडेंट केस में जाता है अपने आप, या कुछ अगर ड्राइवर चाहे तो वो भी बटन दबा के दे सकता है। ये दोनों चीजें आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकती हैं। एसओएस सिग्नल यूएचएफ सिग्नल का पे जाता है, यूएचएफ का एंटीना ना होने के बाद भी दूसरे लाइन पर उसकी तरफ आ रही गाड़ी को विद इन 4.5 किलोमीटर वो उस एसओएस सिग्नल को पहुंचा सकता है, लेकिन उससे कोई वो मूवमेंट अथॉरिटी वगैरह नहीं लेगा। जब कोई गाड़ी को आगे प्रोसीड करना है उसे कहते हैं कि मूवमेंट अथॉरिटी। मूवमेंट अथॉरिटी जो है ये केवल चलने के लिए एक उसको अनुमति का कहते हैं वो है। एक सेकंड जरा, AWS का भी जो ये आपका ब्रेक कर्व है वो इसी तरह से वर्क करता है कि 290 मीटर के अंदर वो 38 पे लेके आ गया। अब 38 से लेके और ये सिग्नल जहां पे जीरो है यहां तक लाने की जिम्मेदारी AWS में होती है मोटरमैन की। यहां पे कवच में इन लोगों ने क्या कर दिया है कि सिग्नल से 40 मीटर पहले इन लोगों ने एक और लगा दिया है ये अपना बलाइस। ये बलाइस जो है इस 40 मीटर से यहां तक लाएगा जीरो पे, सिग्नल के फुट पे लाएगा जीरो पे। एक बलाइस एक्स्ट्रा हो गया, एक बलाइस हमारा एक्स्ट्रा हो गया। इस तरह से कितने ज्यादा जो अननेसेसरी बलाइस है, तो जब आपका सिस्टम जो है कि आप कह रहे हो कि ये कंटिन्यूस है तो ये आपको एक्स्ट्रा बलाइस लगाने की जरूरत क्या पड़ी, आपने डायरेक्टली कर लिया होता कंट्रोल। इसीलिए मैंने ये कॉन्ट्रेडिक्ट किया है, ये सिस्टम बोलता है और मैं सिकंदराबाद में भी अरेंज कर चुका हूं। ये सिस्टम वाले जो मैन्युफैक्चरर बोलता है कि ये कंटिन्यूस है, लेकिन इसी फीचर के नाते मैं कह रहा हूं नहीं है। एक फीचर जो जहां पे यूएचएफ रेंज नहीं है
वो उसके नाते, और एक ये फीचर कि जब आपको कोई भी अपडेट करने के लिए आपको एक बलाइस एक्स्ट्रा आपको जो आपको चाहिए होता है, तो फिर आप जो है कि आप कंटिन्यूस कर, ये आप कैसे हो, तो आप इंटरमिटेंट हो। अब ये ड्राइवर मशीन का इंटरफेस जो है, इसमें जो बहुत सारे मोड है, शंट मोड और ये मोड, भाई शंट मोड की मुझे जरूरत क्यों पड़े, जब TPWS में लिमिटेड फीचर थे उस टाइम पे शंट मोड था, अभी तो केवल उसकी आप स्पीड कर दो रिस्ट्रिक्ट, आपने उसकी स्पीड को बढ़ाने का तो कुछ रखा नहीं है सिस्टम, फिर शंट मोड का मतलब क्या है। अपडेट ऑफ मूवमेंट अथॉरिटी, तो भाई जब कंटिन्यूअस है तो ये आपको बलाइस की जरूरत क्यों पड़ी आपको, आप तो सिग्नल पे ही जाके आपको वो मिल रही है आपको इंफॉर्मेशन, आगे वाला सिग्नल ग्रीन भी हो गया तो भी आप जो है स्पीड को जो है कि आप उस सिग्नल पे जाके ही आप बढ़ाते हैं। ये देखिए, ये आपका ETCS का लेवल है, लेवल टू में लाइन साइड इक्विपमेंट है, लेकिन ये यहाँ पे ड्राइंग में गलत है, यहाँ पे लाइन वायर बिछे होते हैं पूरे, और वो लाइन वायर जो है वो इंफॉर्मेशन देते रहते हैं कि आपको कितनी स्पीड से जाना है। अब वो लाइन वायर आपके एस बॉन्ड की तरह जो है कि आपकी रेल के बगल में हो या रेल से ही वो जाए फ्रीक्वेंसी। अब लेवल जीरो जो हो गया है उसका नाम पहले था लेवल वन, और ये नेशनल ट्रेन कंट्रोल, ये सिस्टम केवल इंडिया में डिफाइन किया गया कवच को आप जगह देने के लिए, ये यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम में नहीं है। नेशनल ट्रेन कंट्रोल यूरोपियन में केवल लेवल जीरो है, वन है, टू है, थ्री है। लेवल टू में उसको मिल रही है इंफॉर्मेशन, लेकिन ये इंफॉर्मेशन ये कंटिन्यूअस ही रहनी चाहिए। और अब जो लेवल थ्री आ गया, ये तो लेवल टू का ही वो चल रहा है, लेवल थ्री में स्पीड का कंट्रोल भी अपने आप ही होता है। स्पीड को बढ़ाना भी अपने आप ही होता है, वो लेवल टू होता है। ये आप लोग नोट कर लीजिए।
लेवल जीरो का मतलब है कि कोई सिस्टम लगाया नहीं गया है, जैसे अब बिना कवच और बिना AWS या बिना TWS के गाड़ियां मेरे बाकी सेक्शन में जा रही हैं, तो सब वो लेवल जीरो पे है। जो इसमें लेवल वन है ये आज के 2011 के पहले ये लेवल टू था, और जो आज लेवल जीरो है उस टाइम पे लेवल वन था। लेवल वन का मतलब आप लोग समझिए कि AWS, और लेवल टू का मतलब आप लोग समझिए कि कवच जो अपने आप को बोल रहा है। हालांकि कवच जो है लेवल वन एंड टू के बीच में है। अब आप लोगों को मैं कवच का जो है थोड़ा सा और बताता हूं। मैं ये देखिए, ये आप लोगों को समझाना जो है कि मुझे काफी जरूरी लगा था कि जब कोई भी कवच की गाड़ी ऑन होती है तो वो की मैनेजमेंट सर्वर में 7 स्टेप में वेरीफाई करती है। सबसे पहले स्टेशन कवच या लोको कवच, ये जब ऑन होता है तो पहले ये अपना आइडेंटिफिकेशन का मैसेज उसको भेजेगा, किसको, सेंट्रल की मैनेजमेंट सर्वर, उसको कहते हैं KMS। अब यहां से एक OTP आएगा, ये OTP जो भी स्टेशन का इक्विपमेंट है स्टेशन कवच और लोगो का इक्विपमेंट है लोगो कवच, उसको जाएगा आइडेंटिफिकेशन का एक्नॉलेज मैसेज, ये भी जाएगा और OTP भी आएगा। अब उसके बाद में एक की रिक्वेस्ट लोको कवच या स्टेशन कवच भेजेगा, वो की मैसेज की रिप्लाई यहां पे आ जाएगी। ये की मैसेज की में एक क्वेरी वो डालेगा अपनी तरफ से, उसको कहते हैं पैरिटी।
वो पैरिटी डाल के भेजेगा, क्या पैरिटी है उसको भी भेजेगा, तो उसको पैरिटी के साथ में मैसेज मेरा ओके मिला, ये उसको फाइनल मैसेज मिल जाएगा। अब देखिए जो मेरा जीएसएम का नेटवर्क है या जीपीआरएस है वो उसमें मेरा कम्युनिकेशन ओवर एसएमएस भी हो रहा है, यानी कि मैं अपनी अपने सिस्टम को मैं नॉन रेलवे ऑपरेटर के लिए मैं ओपन कर रहा हूं। हम चाहते तो हम जीएसएमआर को ले लेते हम, या हम चाहते तो हम उसको LTE या 5G पे हम कोई और बैंडविड्थ ले लेते, लेकिन नहीं, वो प्राइवेट वाले थे, उनको जीएसएमआर का अवेलेबल नहीं था, उन लोगों ने अपना ट्रायल किया एयरटेल और जियो से। अब यहाँ पे एक खेल और भी होता है, ये आप लोगों के ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। जब भी आइडेंटिफिकेशन मैसेज कोई लोगों ने भेजा, वहां पे उसका नेटवर्क वीक था, दो ऑपरेटर में से एक ऑपरेटर का जो मिल जाए तो चलेगा, क्योंकि कहीं पे एक कम है तो कहीं पे एक कम है, इसलिए लिया गया दो। अब सपोज कीजिए उसने अपना आइडेंटिफिकेशन मैसेज भेजा, उस समय पे उसके पास में एयरटेल का नेटवर्क ओके आ रहा था, उसने अपनी OTP को भेज दिया, लेकिन OTP के आने तक इसका एयरटेल का नेटवर्क चला गया और अब जियो वाला आ गया, ये जियो वाले पे जो है कि भेजेगा उसको OTP नहीं आएगा, तो अब उसने यहां से जियो वाले पे भेज दिया। इस केस में आपका लोको जो है आधे घंटे तक 30 मिनट्स तक उसको कोई वेरिफिकेशन नहीं मिलेगा। अब 30 मिनट के बाद में दोबारा अगर ऐसा हो गया तो अगले 30 मिनट तक और भी नहीं होगा। ये एक ड्रॉबैक है कि लोको ऑथराइज ही नहीं हो पाएगी, फिर वो बगैर कवच के चले। अब की मैनेजमेंट सर्वर, इसकी कैपेसिटी है 50 लोको, यानी कि अगर 51वां लोको आ गया तो वो उसको गवर्न नहीं कर पाएगा। अगर हम चाहें कि दूसरा एक की मैनेजमेंट सर्वर और लगा दें, नॉट पॉसिबल अप टिल नाउ, दूसरा की मैनेजमेंट सर्वर लगा के उसको इंटरलिंक कर देना, नॉट पॉसिबल अप टिल नाउ एज पर ऑल द 3 OEM। इसके 3 OEM हैं, आपका कैटक है, ये मेधा है, और थर्ड जो है, जरा होल्ड कीजिएगा मैं कुछ बोल रहा हूँ, थर्ड का नाम बोल रहा हूँ मैं, चलो ये आगे आएगा नाम, ये कैटक वाले को लास्ट में लिया गया क्योंकि ये क्वेरी हुई कि आपने दो लोगों को लिया है तो आप लोगों ने कोई एक कार्टल बना दिया, इसलिए लिया गया थर्ड को, वो थर्ड केवल नाम के लिए आया है। अब यहां पे एक चीज और भी है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकती है कि एक की मैनेजमेंट सर्वर से एक लोको ऑथराइज हुआ, वो लोको नॉन कवच एरिया में चला गया, वो 30 दिन के तो उसकी दी हुई की 30 दिन के लिए ही वैलिड है, 30 दिन के बाद में वो आएगा तो उसको जो है कि नया आइडेंटिफिकेशन मैसेज भेज के फिर से अपने आप को ऑथराइज करना पड़ेगा। अगर वो लोको इस कवच के एरिया में ही है, 300 दिन है, तो 15 डेज के बाद में अपने आप इसकी की रिवाइज हो जाएगी। ये दो चीजें आप लोग
नोट कर लीजिए, तीस दिन की वैलिडिटी होती है की मैनेजमेंट सर्वर के द्वारा अलॉट की हुई की हर 15 डेज में, अगर वो 15 डेज से लेके 30 डेज के बीच में वो कभी भी आता है उस कवच के एरिया में या रहता है, या अगर वो कंटिन्यूसली है तो ऑन 16 डे उसकी की रिवाइज हो जाएगी अपने आप। लेकिन अगर वो 30 दिन के बाद आता है तो उसको फ्रेश की अलॉटमेंट लेना पड़ेगा, और वो कवच के एरिया में आया और जिस टाइम तक उसको की नहीं मिल रही है तब तक वो कवच से गवर्न नहीं होगा, भले वो खुद कवच इक्विप्ड है और कवच से गवर्न एरिया में है, उसके बावजूद भी कवच का सिस्टम इफेक्टिव नहीं होगा। आजकल ऐसे कॉम्प्लेक्स ज्यादा बड़े ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। कवच सिस्टम में 30 दिन की वैलिडिटी है, 30 दिन के बाद में उसको फ्रेश की लेनी पड़ेगी अगर वो कवच एरिया में नहीं है तो, कवच एरिया में अगर है तो 16वें से 30वें दिन के बीच में वो जब भी आता है उसकी की अपने आप हो जाएगी रिवाइज। अगर इनिशियल की असाइनमेंट के समय उसके नेटवर्क में ऑपरेटर का भी कोई फेलियर होता है और लिंक टूट जाती है तो अगले 30 मिनट तक या तो वो मूव ना करे या विदाउट कवच मूव करे। स्टेशन कवच एंड लोगो कवच, इसके बारे में आप लोग नोट कर सकते हैं। मैं रुका हूं कि जो लोग लिख रहे होंगे तो वो लिख लेंगे, बिकॉज स्क्रीनशॉट जो है ये अक्सर हम कहीं भी रख देते हैं फिर मिलता नहीं है। मोड ओवरराइड मोड होता है, ऑनसाइट मोड होता है, ये मोड से जो है कि क्या इन्होंने निकाला पर्पस ये मेरे समझ में नहीं आया। और ये मोड्स वगैरह जो हैं ये आपको S28A जो रीसेट की बुक है उसमें आपको मिल जाएगा, इसलिए इस पे टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये आप लोग वहां से आराम से निकाल के पढ़ सकते हैं। लेकिन ये मोड्स जो है ये केवल इसलिए है कि इनको इनके पास में बल्क में कोई चीज थी अवेलेबल, वो इनको कहीं पे बेचना था तो इन्होंने उठा के बेच दिया। क्या हमारा अगर स्टेशन पे अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो 3 मीटर के आर्म वाला जो हमारा लेटाइस एंटीना या ट्यूबलर एंटीना जो इस टाइप का होता है उसको बोलते हैं लेटाइस, और जो
पाइप टाइप में होता है, उसको बोलते हैं ट्यूबुलर, वो एंटीना लगाया जाता है। इस एंटीना की हाइट होती है 40 मीटर, टॉप से 3 मीटर हमारा रहता है ब्लैंक, दो एंटीना के बीच का डिस्टेंस रहता है 1.5 मीटर आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। बनाना चाहें तो बना लीजिए, वैसे ये आपके S28A में है। जो आपके आपके S28A में है वो बता के मैं टाइम वेस्ट करूं केवल ये दिखाने के लिए, हाँ मैंने लेक्चर किया कंप्लीट, उससे मतलब नहीं, बल्कि जो आपके बुक में नहीं है या जो उसमें डिस्कशन की जरूरत है मैं उसको बताऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये आपके S28A में है, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसको कहते हैं RFID टैग्स। RFID टैग्स के बारे में मैं एक और डिटेल में लेने वाला हूं कि किस तरह से वेस्टेज है, और लेकिन वो भी चीज आपके सिस्टम के लिए जरूरी है। इस RFID टैग में कुछ नहीं होता है, एक PCB होती है, और वो PCB वहाँ का GPS लोकेशन देती है, और ये आगे पीछे कितना सिग्नल है, वो कितने किलोमीटर पे है, और लास्ट सिग्नल कितने मीटर पे था, और आगे वाला सिग्नल कितने मीटर पे है, इस तरह से वो डिस्टेंस करेक्शन के लिए रिक्वायर्ड होती है। और ये स्लीपर पे इस तरह से लगती है, को आ रहा होगा, ब्लर आ रहा होगा, लेकिन जो RFID टैग है ये आप देखिए, ये है ये आपका S टैग है, ये आपका N टैग है, ये आपका G टैग है, ये आपका SA टैग है, उसके बाद में आपको यहाँ पे एक T मिलेगा टैग, ये आपको T टैग मिलेगा जहाँ पे पॉइंट है, मेरा माउस है यहाँ पे। अब ये टैग जो है वो क्यों रिक्वायर्ड है, आपको N टैग जो है ये हर एक किलोमीटर पे आपको लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि मुझे डिस्टेंस का करेक्शन देना है, ठीक है। ये S टैग है तो जब मुझे सारी इंफॉर्मेशन सिग्नल पे ही जाके मिलनी है तो फिर ये कंटिन्यूअस हुआ कैसे। चलिए, जी जो है ये आपका जनरल टैग है जो कि केवल आपका डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक को डिफाइन करता है। SA टैग ये दिखाता है सिग्नल अप्रोच टैग, ये 40 मीटर से 200 मीटर के से बीच में हो सकता है कहीं भी। नॉर्मली 40 मीटर के पहले लगाया जाता है, वैसे 200 मीटर तक भी लगा सकते हैं फॉर हाई स्पीड ट्रेन। आपका N टैग जो है ये किसी भी सिग्नल टैग से मिनिमम 220 मीटर दूर ही लगेगा, ये आप लोग लिख लीजिए। टी ट्रैक जो है, टी टैग ये पॉइंटों पे लगता है तब जब गाड़ी डाइवर्ट होती है, तो उसकी लाइन आईडी यानी कि जो जी टैग है ये डिफाइन होता है दोबारा, तो ये डिफाइन हो उसके लिए टी टैग आपको जरूरी है। जब भी कभी वो इसमें नहीं दिया हुआ है, जब कभी भी गाड़ी नॉन इंटरलॉक एरिया में जाती है, एक सेकंड जरा, जब भी आपकी गाड़ी का, अगर आप लोग ये समझ ले कि ये ब्लू जो है ये नॉन इंटरलॉक एरिया है, तो इसमें जाते समय 3 से लेके 6 एक्स टैग लगते हैं। एक्स, वो एक्स टैग जो है दो के बीच की जो दूरी होती है 20 मीटर, ऐसे 6 टैग तक लगते हैं, या 3 भी आप लगा सकते हैं, 3 से लेके 6 तक जब जैसी जरूरत हो।
इसलिए कि वहां पे कोई जाता नहीं है, इसलिए 6 ट्रैक भी लगा दिए कि 3 डिफेक्टिव हो गए तो भी 3 वहां पे मिल जाएंगे। इस तरह से 6 टैग जो है एक्स टैग, जब गाड़ी नॉन इंटरलॉक एरिया में, नॉन कवच एरिया में अब जानी है कि उसके आगे वो शंटिंग होके और अंदर ही अंदर उसका काम होगा, तो उसके बाद में जब उसको 3 से लेके 6 तक उसको उसको एक्स टैग मिल गए तो वो कवच की इंफॉर्मेशन को नहीं लेता, हो फिर उसको उसको कवच से गवर्न होने की जरूरत नहीं है। अब इतने सारे जो है कि करेक्शन टैग और डायरेक्शन टैग और सिग्नल अप्रोच टैग, इसके बावजूद भी ये सिस्टम अपने आप को बोल रहा है कि ये कंटिन्यूअस है, ऑन पेपर है कंटिन्यूअस आप बोल सकते हैं। ये अगर किसी को कुछ पूछना हो, जो कुछ भी पढ़ाया इसके बारे में, तो बोलिए, क्योंकि क्योंकि सब्जेक्टिव जो है ये मैं 20 मिनट में जो ऑब्जेक्टिव किस प्रकार के आ सकते हैं वो बता दें, इस तरीके